वीडियो बना रहा हूँ वो है बेसिकली आपकी डायरेक्ट लेबर पे। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट लेबर के अंदर मोस्ट कॉमनली दो में से एक तरीका यूज़ होता है। एक कहलाता है रैम पीस वर्क सिस्टम और एक कहलाता है रेम्यूनरेशन सिस्टम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, दोनों कॉमन है, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में। डिपेंडिंग ऑन द लेबर और उनकी स्किल के ऊपर कहीं कहीं पीस वर्क सिस्टम होता है। पीस वर्क से फ़ायदा बस ये हो जाता है कि लेबर मोटिवेट होते हैं ज़्यादा पीस तैयार करने के लिए। ऑन द अदर हैंड रेम्यूनरेशन में ऐसा चक्कर नहीं होता। पीस वर्क है क्या? पीस वर्क बेसिकली आप जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई में पर यूनिट रेट, यानी आप जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है आपका पीस वर्क सिस्टम। ऑन द अदर हैंड लेबर सिस्टम, लेबर से सही सॉरी रेम्यूनरेशन सिस्टम क्या है कि भाई आपका पर आवर, जो भी आपका पर आवर रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स से। ठीक है, कि जितना भी घंटे का रेट डिसाइड हुआ उसको हम जितने भी घंटे काम किए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, पीस वर्क में एक बेनिफिशियल स्कीम ये हो सकती है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 से लेके 50 यूनिट्स बनाए तो आपका रेट जो है वो डिफरेंट होगा। इस केस में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 होगा। अगर आपने 51 से लेके 100 यूनिट्स बनाए तो जो है वो आपका रेट फॉर एग्जांपल 2.5 हो जाएगा और 101 ऑनवर्ड्स हो गया तो आपका रेट जो है वो 3 कर दिया। ठीक है, यानी आपने जितना ज़्यादा एक वीक में प्रोड्यूस किया, ये पर वीक के हिसाब पे चलता है, पर वीक उतना जो है वो आपका रेट अच्छा ही होता जाएगा। इससे क्या होगा, मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयज़ जो है वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हों। अच्छा, रेम्यूनरेशन में किस तरीके से नवाजा जा सकता है या किस तरीके से बेनिफिट दिया जा सकता है? तो भाई रेम्यूनरेशन में कुछ सिस्टम्स इस तरीके से हो सकते हैं कि ओवर टाइम दे दिया जाता है, ठीक है, वीकेंड बोनस दे दिए जाते हैं कि भाई अगर किसी का फॉर एग्जांपल उनको वीकली 35 आवर्स काम करने थे, उसने 38 आवर काम किए, जो ये 3 आवर्स हैं ये उसका ओवर टाइम है, 3 आवर्स ओवर टाइम। ओटी लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान है, ठीक है, ओवर टाइम। वीकेंड बोनस क्या है कि भाई उसको फॉर एग्जांपल वीकेंड में 7 आवर्स को काम करवाना था किसी भी वजह से, ऑर्डर की वजह से, तो हमने उसे बोला भाई तुम वीकेंड पे अगर आके काम करोगे तो तुम्हें हम जो है ना वो डबल रेट दे देंगे, ट्वाइस रेट, 2 टाइम्स रेट। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो ओवर टाइम है ये 1.5 टाइम हो और जो है वो वीकेंड जो है वो 2 टाइम्स हो। कुछ कुछ कंपनीज ये करती हैं कि डायरेक्ट रेट बता देती हैं कि भाई अगर तुमने 35 के आवर से काम किया तो $6 मिलेंगे, अगर तुमने ओवर टाइम किया तो हर ओवर टाइम का एडिशनल +3 मिल जाएगा, यानी 9 मिल जाएंगे। अगर तुमने वीकेंड काम किया तो तुमको जो है वो 12 मिल जाएंगे, यानी 6 + 6, ठीक है, तो 6 ओवर टाइम हो जाएगा और 6 जो है वो आपका नॉर्मल रेट है। तो ये कुछ कंपनीज कंडीशंस पहले से ही डिफाइन कर देती हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, ये कंपनीज के अग्रीमेंट में होता है। अच्छा, अब जो ये आपका इसके हिसाब से पीस वर्क के हिसाब से रेट होता है, ये पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट लेबर होता है नॉर्मली। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर इसमें हम आ जाते हैं तो ये जो आपका रेट पर आवर है, जो नॉर्मल रेट पर आवर है, वो आपका डायरेक्ट लेबर है। ऑन द अदर हैंड जो आप ओवर टाइम पे कर रहे हैं वो ओवर टाइम प्रीमियम के नाम से कहलाता है, इसको प्रीमियम भी कहते हैं, ओटी प्रीमियम या सिर्फ प्रीमियम, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर है।
और ये ओवरहेड्स का पार्ट है, इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन का पार्ट बनेगा, ये सीधा ओवरहेड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जो है वो बाइफरकेशन करनी है। तो जब ये टॉपिक आएगा ओवरहेड और सॉरी एब्जॉर्प्शन का, तो मैं आपको उस वक्त ज़्यादा इसको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और एक क्वेश्चन करा के मैं आपको इसको फर्दर सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है वो मैं या तो कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा या मैं यहाँ पे चले उसके एक्सट्रैक्ट्स लिख लेता हूँ कि भाई दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, हमें एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ऑप्शन वे ए में वो ये कहता है कि एक प्रोडक्ट है, चलो ये छोड़ो, वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है ना वो दोनों केसेस में 10 है, 10, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर वो जो है आवर यानी रेम्यूनरेशन मेथड पे चलता है तो उसका जो है वो पर आवर रेट है, पर आवर रेट इज इक्वल्स टू $5। ठीक है, अच्छा और इसका जो है वो पर आवर रेट $5 है और वो नॉर्मली जो है वो 38 आवर्स काम करता है, तो यानी इसका नॉर्मल वीक है, नॉर्मल वीक इज इक्वल्स टू 38 आवर्स। अच्छा, इसके अलावा इसने जो है वो ओवर टाइम रखा है 1.5 टाइम्स। अच्छा, ये 1.5 टाइम्स का मतलब है 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल पर आवर। अगर ये ऐसा लिखा हो ना 1.5 टाइम्स, तो इसका मतलब आपको यही कंसिडर करना है कि 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल ओवर पर आवर ही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा वो जो इन्फॉर्मेशन और दे रहा है वो ये कह रहा है कि ओवर टाइम उसने किया है, ओवर टाइम इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे उसने ओवर टाइम किया है और उसने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1000, 1000 यूनिट्स उसने इस वीक में प्रोड्यूस किए हैं इन सारे कामों के बाद। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वो दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कि जो कि वो है पीस वर्क, यहाँ मैं लिख देता हूँ पीस वर्क और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेम्यूनरेशन। ठीक है, अच्छा इसमें भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 10 है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर ये कह रहा है कि भाई अगर वो 1 से लेके 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको रेट मिलेगा 2.1 का पर पीस, और इसके आगे जो भी वो प्रोड्यूस करेगा यानी 81 ऑनवर्ड्स उसको उसका रेट मिलेगा $2.5 पर पीस, यानी $2.50 उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये एक चीज और है कि हर एम्प्लॉय जो है ना, ईच एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस 110 यूनिट्स। अच्छा, अब फाइनल इसकी कॉल ये है कि भाई इन दोनों में से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो यकीनन वो चूज करना चाहिए जो सस्ता ऑप्शन हो, कि जिसके थ्रू हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो कम आ रही हो। तो हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो मैं इसके लिए पहले तो विंडो चेंज करता हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं मेरे ख्याल से पीस वर्क को पहले कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो है वो 10 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 80 यूनिट्स बनाएंगे, तो 2.1 उनको मुझे पैसे देने हैं। और अगर 80 के आगे बनाएंगे यानी 81 टू ऑनवर्ड्स, तो वो कितने यूनिट्स लेंगे, उसके पैसे लेंगे वो 2.5। अच्छा, अब उन्होंने पर वीक जो है वो 110 बनाया, तो 109 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 30, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 30। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1, इसका आंसर आएगा आपके पास 1680। एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसका आंसर आपके पास आएगा 750। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 3 7 6 3 4 2 4, ठीक है, 2430। ये आपके पास टोटल कॉस्ट या टोटल जो भी आपके पास लेबर कॉस्ट है, यूँ समझ लें। अच्छा, अब मैं अभी पर यूनिट पे इसको डिवाइड नहीं कर रहा, पहले मैं लेके जा रहा हूँ इसको रेम्यूनरेशन पे। तो रेम्यूनरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि भाई सबसे पहले उसने ये कहा कि 38 आवर्स नॉर्मल हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं और 6 रेट है। और उसके अलावा उसने दूसरी एक और बात ये कही कि भाई, अच्छा एक चीज़ और उसने ये कही कि 38 जो आवर्स हैं उसके अलावा 6 आवर ओवर टाइम है, वही 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि उसने ये बात कही थी कि 1.5 टाइम्स, तो इसका आंसर जो है वो वैसे 7.5 आएगा। अच्छा, अब 38 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये रेट 6 नहीं है, 5 है, सॉरी। तो यहाँ पर हम रेट चेंज करके 5 कर देते हैं, सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा आपके पास 1900, और इसका आंसर आपके पास आएगा 450, और इन दोनों को ऐड करेंगे 2350। तो टोटल कॉस्ट आपके पास इसके अंदर आई है 2350 और इसके अंदर आई है 2430। अच्छा, रेम्यूनरेशन मेथड में उसने ये बोला था कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो मैं 2350 को डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई 2.35 पर यूनिट। जबकि इसने ये यहाँ पर बोला है कि हर एम्प्लॉय ने 110 यूनिट बनाए हैं, 10 यूनिट, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसका मतलब 1100 यूनिट्स बने होंगे। तो इसका मतलब मैं 2430 को 1100 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 2.21 पर यूनिट। तो मेरे पास इससे अपेरेंट हो रहा है कि मेरे पास जो है वो ऑप्शन पीस वर्क का ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि मैं रेम्यूनरेशन मेथड पे जाऊँ। तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि भाई मैं पीस वर्क लूँ या मैं रेम्यूनरेशन मेथड लूँ, तो मुझे ऑप्ट करना चाहिए पीस वर्क के ऊपर। तो मेरी जो है वो प्रायोरिटी पीस वर्क होनी चाहिए, ना कि रेम्यूनरेशन मेथड। अच्छा, अब मैं एक और सवाल करता हूँ, उस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। मेरे ख्याल से उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और भेजूंगा। चलो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।